सुब्रमण्यम स्वामी ने महबूबा मुफ्ती पर आतंकियों के सामने घुटने टेकने का लगाया आरोप। सेना के अधिकारी पर FIR मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को दे दी कानून पढ़ने की सलाह। ममता ने मोदी केयर को नकारा, बंगाल नेशनल हेल्थ स्कीम से बाहर निकलने वाला पहला राज्य बना। दिल्ली में एक महीने से भी ज्यादा वक्त से गुमशुदा लड़के की मिली लाश, पड़ोसी नहीं मर्डर कर अटैची में बंद कर रखा था शव। चौथे दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया ISI को खुफिया जानकारी देने वाला वायुसेना का ग्रुप कैप्टन हनी ट्रैप में फंसाकर जानकारी निकलवा रहा था पाकिस्तान। वैलेंटाइंस डे पर लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में विरोध, आगरा में प्रेमी जोड़े को जान से मारने की धमकी। गजराने नैनो से देश का दिल जीतने वाली प्रिया प्रकाश पर दर्ज हुई FIR, वायरल गाने में धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगा आरोप। अमेरिकी खुफिया प्रमुख डैन कोट्स ने भारत में आतंकवाद हमलों पर दिया बड़ा बयान, सीनेट में अपने एक बयान में कहा पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारत में जारी रखेंगे हमले। बैंकों ने रिजेक्ट किए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 88% लोन एप्लीकेशन। बजट 2018-19 में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 7.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का किया है वादा। पांचवें वनडे में जीत के साथ भारत ने ODI सीरीज पर किया कब्जा, लगातार 9 वनडे सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ा। और वैलेंटाइंस डे पर परी का नया टीजर रिलीज, अनुष्का ने रोंगटे खड़े कर देने वाले अंदाज में बोला आई लव यू।